بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم نعره التكبير نعره التكبير نرى الرسالة نرى الرسالة نرى التحقيق نرى هدري اسم عيد ميلاد النبي آمد مصطفى खोलो शीट खोलो मिशल बरदार जलूस सिक्योरिटी तहरीक फिक्र इस्लाम जो के लंगड़ियाल से बराह रास्त आपको Oh, my God.
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तहरीक फ़िक्र इस्लाम के ज़रिए तमाम सिक्योरिटी तहरीक फ़िक्र इस्लाम मिशल बरदार जुलूस से होकर लंगड़ियाल से बराह रास्त के पास अपना नाम लिखवा दो ताकि प्रसूद के साथ उनको मौका दिया जा सके। तमाम शुरुआई जुलूस को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बार फिर माने रब्बुल इज्जत ने से फरमाया है और आपका तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने मोहब्बत वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मुबारक के मौका पे चाहिए आपको बातें याद होंगी। मैं एक बार फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ ताकि दोबारा दिल वसूल हो जाए। पहली बात तो ये है कि जुलूस के तकद्दस का ख्याल रखना है। ये बात जो जरूर रखनी है कि हम इस हस्ती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, किसी को दिखाना जरूर कोई नुमाइश या कोई दुनियावी गर्ज में नफाक हमारे पास नजर नहीं है। सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, तो उसी को हमने पेश नजर रखना है। दूसरी बात, कोशिश करें कि पुराने जुलूस से वो बाहर रहें। दूसरी बात के पुराने जुलूस किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ कोई कलह कलामी नहीं करें। अगर किसी की तरफ से हो भी जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका आपस से मार फरमा दें। और कोशिश करें कि नात खान हजरात जो नात पढ़ रहे हैं उनके साथ मिल के पढ़ें, और अगर समझते हैं कि आपको वो नात या अशार याद नहीं है तो आप रोशनी पढ़ते रहें। दुनियावी गुफ्तगू करने की बजाय आप नाज शरीफ पढ़ें या दूर शरीफ पढ़ें। और कुछ हजरात जो सिगरेट पीते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी पुराने जुलूस से इससे परहेज करें। अब हम बाकायदा जुलूस का आगाज करते हैं। तो तमाम हजरात जिस तरह के पहले भी मैंने कहा कि जो बड़े हैं वो रेडी के पीछे आ जाएं और जो छोटे हैं वो वैसे ही पहले लाइनों में लगे हुए हैं। जो बड़े हैं हजरात हैं वो रेडी के पीछे आ जाएं ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ हम जुलूस का आगाज करें, किसी किस्म की कोई कदर नहीं रहा हो। ज़हीर भाई आज ही दे छड़ी दो, आज ही दे छड़ा ध्याड़ी हूं फिर भाई साहब टोर लो हूं के कट दे इधर निकलेगा कैसे ये टोर पे ने मेरा किनारा मारे बंद हो गया मेरा नारा मारे बंद हो गया उतरी कत्ते फड़ी कर छड़ दे नहीं टांदी भारी है।
मौजूद ने मजीद बदन फनूस लिया के लाया गली पूरी गली अमीर ने नारा मारे बंद ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਤਬਸ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਏ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ आगे देखो आगे जुलूस जो है वो रवाना हो चुका है इंशाल्लाह। करो यार अब उधर लैन दे रहो एक सोटी लैन लगा ते सोटी को नहीं ते सरिये ही है ना पे सोटी को नहीं ते पे मदरस के साथ दोस्तों जुलूस तो आपको बराह रास्त मुकम्मल दिखाया जाएगा लेकिन स्टैंड जो है वो ना होने की वजह से इतना तो नहीं रेडी इंजन करने लगा कि छोटी है किधर जाते हो भी डाक लो ਗੱਡੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਖਿਲਾ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
भाईजान कैमरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो है ना वो अंधेरा है गलियों में। देखिए लाइटिंग तो है लेकिन लाइट नहीं है, बड़ी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। ठीक है जी, जी सही सर, इंशाल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाइव 8 बंदे 15 आए, 8 रह गए, ले रहे ना ले रहे बैठे से गांव का नजर नहीं। आगे जाना खुली जगह ऊपर चढ़ दिन के लोग क्या अपने नंबर बना रहे हैं सर, देख लियो मैं लाइव चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक के नाम चल रही लाइव सर, तहरीक के पेज पर चल रही तहरीक फिक्र इस्लाम। जनूबी महल में पहुंचे हैं, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा जुलूस जो है वो अपने रवायती रस्ते से होता हुआ इख्तिताम पज़ीर होगा। उसके बाद जो मिशन बरदार जुलूस जो इस्तकबाले रबी अव्वल की रैली जो आ रही है इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी दोस्तों ने जाना है। सुनाओ सर क्या जी जनाब, रेडी की वीडियो भी बनती है, अभी रास्ता जो है वो थोड़ा क्लोज है इसलिए वो रेडी काफ़ी दूर है, वो आपको नज़र आ रही होगी पीछे। ठीक है जी, इंशाल्लाह जैसे हम खुली जगह में जाते हैं तो इंशाल्लाह रेडी की भी बनाएंगे वीडियो। जी साहब जी, हम पहुंचे हैं
जनूबी में लामा पीछे ही है थोड़ा बच्चियों के दर्स के पास वेलकम टू अजवा फ्लैक्सो टाइजिंग कोटला जी। मिशल बताया जुलूस जो अभी जनूबी मस्जिद जो है वो क्रॉस कर चुका है, थोड़ी देर बाद मिलाद कमेटी मल्ला यूनिक काउंसिल इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। Okay, okay. Merhaba, merhaba. Ya, ya.
भाई मोहम्मद अनवर साहब की जेरे क़यादत जुलूस जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह महला यूनियन काउंसिल वहाँ पहुँच चुका है। तीसरा बार भोगी जी पाल मरारियाँ चौक अरे तको अगे मुड़े सिगरट लाए दुनिया फिर दी वाह मजा आने लगे मेरे ख्याल मूवी भी इधर बना अगे पिछे लगन पा अगर कोई फिल्म लगे उन्हें आखिया लाइटिंग करके दसी जो फ्रूज जो लगे ने और रौनक बच गई जी फनूस लिया पचास हेलो शमून शमून हेलो अरे पिछे आवो हाँ चंबेली चंबूली इन्हें अगे के जाना जी सर अहमद जलाल लाइट को पहचान के कुछ दोस्तों पहचान गए होंगे कि हम इस वक्त किस मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। पीछे हो जाओ बेटा पीछे अंदर हो जाओ जी वेलकम अहमद बेटा यूनियन काउंसिल के पास जुलूस जो है वो पहुंच चुका है। जय
यहाँ शेयर भी करो, शेयर भी करो। ये देखें जी, ये मोहल्ला मिलाद कमेटी बैंक वाला, लाइटिंग का खूबसूरत मंजर, और थोड़ी देर बाद हम रोड पर भी आपको लाइटिंग के खूबसूरत मंजर जो है वो दिखाएंगे। अलीशान कैसा कैसा माहौल है, तको तुम बनो ना, तको तू किधर है, लाइव चल दी भी कोई लाइव चल हूँ दूर बना लो। साईं तारक साहब का अकीदत मोहब्बत हर साल की तरह इस साल भी, मामा क्यों हो गया सर, मिलाद कमेटी मोहल्ला बैंक वाला, खूबसूरत लाइटिंग और वाओ क्या फनूस लगाए हैं दोस्तों ने। हेलो न अगर रोड से उठे ना सड़क जी जरा देखियो, एक ही दोनों दही किसी दो पता तो करना, मैं तो लाज लो मन को लाज लाइव छाल दे कसे तेरा मुंडा ब्याह दे पता कर लो जा, मैं अपनी पतियां दस लो तेरा थारा मुंडा ब्याह दे बनाना की नवे बड़े पिंड दे, नवे बड़े पिंड दे मतलब दारे वाले भल गया सू ला के दो आमीन आमीन आमीन। सर जी इंशाल्लाह यकम का इसे सोना बारह का इसे सोना कर लांगे, गले च किसे दा बल्ब नहीं बलदा पे, सिर्फ इस बल्ब दा बल्ब टोटल फनूस बलदा ने पे। चलो 50 सारे ऐतक लै आंदे ने, अगली बार 50 होर लै आवांगे।
जुलूस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बैंक के पास पहुंच चुका है। सिक्योरिटी के नौजवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक को कैसे बहाल करना है और कैसे रोकना है इन नौजवानों की क़यादत है और इन नौजवानों को हराज तस्वीर पेश करते हैं। रखना जरूर गड्डी डक लो इधर कर लो जलूस जलूस है सैड कर लो फिर तनवीर अब्दुल्ला वो परले पास लगो बंदे ने इधर करी जाओ जलूस जो वो रोड पर पहुंच चुका है गुजारे मदीना मस्जिद के पास। मोहल्ला पटवारियां खूबसूरत लाइटिंग का मंजर और आवाम का जोशो हरोश। गुलजारे मदीना मस्जिद खूबसूरत लाइटिंग इंशाल्लाह दो दिन बाद 12 रबीउल अव्वल को इसी मस्जिद में प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह वो भी लाइव चलाया जाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम जय साहब एजाज साहब क्या हाल है ठीक हो का इस्तकबाल मोहल्ला बटवारियां में जुलूस का इस्तकबाल कर रहे हैं नौजवान। शहर के नाल ला लो भाई
यार घूमे थोड़ी ही नहीं पायो भाई, बस 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 दुल्हा अंडा दे मेरी आस लिखा लो अगे पिछे अंडे पिछे रखो गड्डी आ रही उधरू मरला पटवारी ने बलोस के इंतजाम काफी खबर पेश किया रिजक के कारोबार रस्ता दस ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੱਪ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵਿਕਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾ ਹੁਣ ठीक है।
मुसलिया छोड़ दे यार थोड़ी पाने हाथ दट दिन बच्चे थोड़ी थोड़ी ओ केड़ा तो मुगरे न जुलूस नेड़े पहुंच आया चलो चलो बड़ा जुलूस नेड़े पहुंच आया चलो जी गर्म हो जाए भाई चाह भी पियो तू गर्म ही छोटा कुछ चिकन मंचूरियन सारे बोलो लभना कोई नहीं बारह मिनट आना मकाओ घंटे जुलूस मकाइए एक घंटे जुलूस मुकना चाहिए बारह मिनट रह गए जिसे चाहते पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जिसे चाहते पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले ये बड़े करम के फैसले ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लो अलैहि वालिहि सल्लो अलैहि वालिहि सल्लो अलैहि वालिहि यदि मेरा गोके जनून है यदि मेरे इश्क का राज है यही मेरा गोके जनून है यही मेरे इश्क का राज है आपकी याद में मेरा झूमना आपकी याद में मेरा झूमना
की याद में मेरा सोमना मेरा भजन मेरी नमाज है सल्लो अलैहि न कहीं से तोरे है मंजले न कोई करे बाकी बात है न कहीं से तोरे है मंजले न कोई करे बाकी बात है जिसे चाहे उसको नवाज दे जिसे चाहे उसको नवाज दे जिसे चाहे उसको नवाज दे ये तेरे हबीब के बात है सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि मुझे मैं याद ने वो नशा दिया आपकी याद ने वो नशा दिया आपकी याद ने वो नशा दिया मुझे हर नशे से बचा लिया सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि Zindabad! 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 Zindabad!
मोहल्ला दारा में जुलूस का इस्तकबाल, माइक पे पूरा एक घंटा लगा है। जो अगला लाया अमल है वो थोड़ी देर बाद अभी बता रहे हैं, लामा साहब ऐलानात फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तमाम हजरात दुआएरबानी तवज्जो की तरह रखें, अपनी गुफ्तगू को खत्म करें। बस हम पढ़ के दुआ करने लगे हैं, बस एक दो ऐलानात वो समाप्त फरमा लें। 16 अक्टूबर बाद नमाज इफ्तार इसी जगह यंतारे के अंदर अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुनक़िद हो रही है, जिसमें और तीन नवंबर को शमाली मस्जिद में अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों का खुसूसी खिताब होगा, तो इस महफिल में भी शिरकत फरमा के सवाब जारिया मस्जिद करें। बारह अक्टूबर गुलजार मदीना मस्जिद में महफिल पाक होगी, जुम्मे के मौके पर भी ऐलान हुआ था, उसमें भी शिरकत फरमा के सवाब जारिया हासिल करें। और 14 अक्टूबर को महफिल पाक होगी पीर चंद जो मस्जिद, हाँ ये महफिल पाक। तो कोई ईलान समाप्त फरमा दे इंशाल्लाह बफजल खुदा परसों बरोज इतवार बाद आज नमाज इशा तहरीके मिनहाजुल कुरान हल्का कोटला उसके जेरे तमाम एक अजीम शान मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जो कतरानी मैरिज हॉल में होगा, जिसमें खसूसी खिताब खतीब आजम यूरोप हजरत मुफ्ती प्रशाद अहमद सैदी साहब वो खिताब इरशाद फरमाएंगे। वहाँ खवातीन के लिए पर्दे का भी एहतमाम होगा और मर्द हजरात के लिए भी महफिल का एहतमाम किया गया है, यानी मर्द और खवातीन दोनों के लिए अलग अलग एहतमाम होगा। इसलिए तमाम बुजुर्गों दोस्तों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह बफजल खुदा बाद नमाज इशा बैंक के सामने से बस जो है वो ककराली मैरिज हॉल की तरफ रवाना होगी। जिन बुजुर्गों दोस्तों ने माओं बहनों ने शिरकत करनी है इस मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में, वो इशा के फौरन बाद वहां तशरीफ ले आए। शुक्रिया। 22 अक्टूबर बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद के विच है महफिल मिलादुन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, जिसके विच हदीसी का बल्कि दाफ इस्लामी फरमान दे तमाम दोस्त अहबाब अस्सलाम
दुआ से पहले एक गुजारिश आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। माहे रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज हो चुका है। इस माहे मुबारक में जितनी भी महाफिल का इनकार किया जाए, जुलूस आज मिशल सरदार था, इंशाल्लाह वजीफ 12 रबीउल अव्वल को भी जुलूस होगा। तमाम प्रोग्रामों में आप हजरात बढ़ चढ़ कर उसमें शिरकत फरमाएं, इसी तरह अपने मोहल्ले को सजाएं, गलियों को सजाएं, अपने घरों में चिरागा करें। हर हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद आप मनाएं, लेकिन साथ आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश है कि मीलाद मना के हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को भी अपनाएं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज। तो इस हवाले से भी हमने अपनी इसलाह करनी है। अगर नमाज के हवाले से पहले हम कोई सुस्ती या कोताही करते हैं तो आए इस साल माह रबीउल अव्वल में ये अहद करें कि आइंदा से हम पंजगाना नमाज की पाबंदी करेंगे। एक तो पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, दूसरा इस माह मुबारक में ज्यादा से ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें। महीना वैसे भी बरकत वाला है और अगर हम दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे तो मजीद अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। तो ये दो गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करना थी। एक तो तमाम महाफिल में आप शिरकत करें, दूजा हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को भी अपनाएं, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें और कसरत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه يا إله العالمين। हर साल की तरह इस साल भी ये मिशन बरदार जुलूस इसका इहतमाम किया गया, इसे अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। या इलाह अलआलमीन, जुलूस का जिन लोगों ने इहतमाम किया, बिलखसूस मरकजी मिलाद कमेटी के अराकीन, तहरीक फिक्र इस्लाम के हमारे साथी, इनके अलावा भी जिस जिस ने जो भी ड्यूटी सर अंजाम दी है, किसी भी हवाले से कोई काम किया है, लाइटिंग की है, अपने मोहल्ले को सजाया है, गलियों को सजाया है, मसाजिद को सजाया है, जो कोई भी एहतमाम किया है, मौलाए करीम सब का ये एहतमाम, सब की ये मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करना। जितने अहबाब इस जुलूस में शामिल हुए हैं, मौलाए करीम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल करना। या इलाहा अलआलमीन, जितने कदम हम जुलूस के अंदर चले हैं, हर हर कदम पे अजर अजीम अता फरमा। मौलाए करीम तेरी आला बारगाह है और अपनी आला बारगाह से इसका आला अजर व सवाब अता फरमा। मौलाए करीम कितने ही लोग हैं जो बीमार हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, मौलाए करीम महबूब के मीलाद पाक का सदका तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा, हर एक की परेशानियां दूर फरमा, सब की मुश्किलें आसान फरमा, सब की परेशानियां दूर फरमा। मौलाए करीम बहुत से लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है या शुरकाए जुलूस में, इस वक्त जिस किसी के दिल में जो भी नेक दिली दुआ है, मौलाए करीम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सब की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अदा फरमा। मोहल्ला दारा के मरहूमीन के मगफरत की दुआ के लिए कहा गया है, जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस साहब, जनाब मोहतरम अब्दुल रजाक साहब, चौधरी मोहम्मद लतीफ साहब और जनाब मोहम्मद अमानत साहब,
की दुआए मगफरत के लिए कहा गया है। इनके अलावा भी इस मोहल्ला दारा के जितने मरहूमीन हैं, बल्कि मोहम्मद आरिफ साहब और इनके अलावा जितने मरहूमीन हैं, बल्कि लंगड़ियाल के दोनों कब्रस्तानों के अंदर जितने लोग मदफून हैं, मौला करीम सबको बख्शिश अता फरमा, मौला करीम सबको मगफरत अता फरमा, सबकी कब्रों पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जनाब मोहतरम सूफी नज़ीर साहब वो हर साल हमारी इन महाफल के और जुलूस की जीनत हुआ करते थे, मौला करीम उनकी कब्र पे भी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। तमाम मरहूमीन को मौला करीम कामिल बख्शिश और मगफरत अता फरमा। हमारे बिलखसूस वो साथी जो पिछले साल इस साल हमारे साथ थे इस मौके पे, आज वो हम में मौजूद नहीं है, मौला करीम उनकी कब्रों पे भी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। हम सबको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और गुलामी नसीब फरमा। इसी मोहब्बत और गुलामी में हमें जिंदा रख और इसी में हमें मौत अता फरमा। समीना व अतअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्किही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।